खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। 7 जुलाई 2023 के दिन सुख संपत्ति धन दौलत और ऐश्वर्य के कारक कहे जाने वाले भगवान शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं। और मित्रों, भगवान शुक्रदेव का जो स्थान होता है ना, वो सभी 9 ग्रहों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी व्यक्ति की राशि या कुंडली में शुक्र उच्च अवस्था में होते हैं तो उस व्यक्ति को भरपूर सुख शांति समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और साथ ही किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर शुक्र नीच के भाव में होते हैं ना, तो उसको बहुत ही ज्यादा दुख तकलीफ और परेशानी झेलनी पड़ती है। आपको बता दें मित्रों, 7 जुलाई 2023 के दिन भगवान शुक्रदेव गोचर करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे और उसके तुरंत बाद 5 राशि वालों की किस्मत एकदम से चमकने जा रही है, उनका भाग्य उदय होने जा रहा है। 5 राशि वाले लोगों को जोली भरकर आशीर्वाद मिलेगा, जबरदस्त रूप से धन का लाभ होगा और साथ ही उनका विवाह का योग भी निश्चित हो पाएगा। तो आपको बता दें मित्रों, किन किन लोगों की जो तकदीर है वो 7 जुलाई 2023 के बाद से ही परिवर्तित होने जा रही है, चेंज होने जा रही है। तो एक एक करते हुए सभी 5 भाग्यशाली राशियों के ऊपर अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शुक्राय नमः लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए मित्रों, आपको बता दें सुख संपत्ति धन वैभव और ऐश्वर्य के दाता भगवान शुक्रदेव 7 जुलाई को सुबह 3:59 पर राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि गोचर करेंगे। और जैसे ही भगवान शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे ना, तो ये 5 राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पतल दुनिया, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। मित्रों, हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि 7 जुलाई के दिन जब सुख संपत्ति और ऐश्वर्य के कारक भगवान शुक्रदेव गोचर करेंगे, यानी कि राशि परिवर्तन करेंगे ना, उस दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहां पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। और मित्रों, मेरे इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR पर कर सकते हैं। तो चलिए, भगवान शुक्र देवता के गोचर के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई ऊ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। आपको बता दें, जिनके भी वृषभ राशि है ना, भगवान शुक्रदेव आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और चौथा भाव जो होता है ना, वो बहुत ही अच्छा और शुभ रहता है। 7 जुलाई के बाद वृषभ राशि वाले लोगों को भौतिक सुख का लाभ मिलेगा, कारोबार में धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं और साथ ही आप अपना कोई भी व्यापार करते हैं, चाहे स्वयं का हो या पार्टनरशिप के साथ व्यापार हो, 7 जुलाई के बाद आपको दोस्तों व्यापार में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आप अपने काम का विस्तार भी कर सकते हैं और इतना ही नहीं, अगर आप नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं ना, तो वहां पर भी आपको अपना प्रमोशन मिल सकता है। इस समय कोई भी कीमती चीज आप खरीद सकते हैं और साथ ही रियल स्टेट, फूड या सफेद चीजों का कोई भी काम कारोबार करते हैं ना, उनके लिए ये जुलाई का जो समय है ना, वो बहुत ही अच्छा और फेवरेबल रहेगा। आपका विवाह का योग बनेगा और साथ ही आपको अचानक से 2023 में धन प्राप्ति का महासंयोग भी बन रहा है।
चलिए जान लेते हैं दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मु मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शुक्र देवता का गोचर सिंह राशि के लग्न भाव में होने जा रहा है। और दोस्तों ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, जिनकी भी सिंह राशि है 7 जुलाई के बाद आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा और वहीं व्यक्ति सभी काम में अच्छा रिजल्ट भी देखेगा। जिस काम में आप हाथ डालोगे उसी में सफलता हासिल होगी, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और लाइफ पार्टनर को भी आपको तरक्की मिल सकती है। जो लोग कुंवारे हैं उनका शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। और साथ ही मित्रों, अगर आपका कहीं पर भी पैसा फंसा हुआ है, धन संपत्ति जो है दोस्तों कुछ दिक्कत चल रही थी, विवाह चल रहा था ना, तो उसका भी निपटान होगा और इस बार आपको अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी में प्रमोशन, कोई भी अच्छा और बड़ा पद मिल सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में आपका बॉस आपके काम की सराहना करेगा। और साथ ही जिनके भी सिंह राशि है ना, वो अपना खुद का संपत्ति खरीदना चाहते हैं, जैसे कि स्वयं की गाड़ी, स्वयं का मकान, वाहन वगैरह कुछ भी, तो जुलाई के महीने में आपकी ये इच्छा पूर्ण हो सकती है। भगवान शुक्र देवता के आशीर्वाद से भौतिक सुख में आपके बढ़ोतरी होगी। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और ज्यादा फेवरेबल होगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता और फ्री में ऐसे थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की भविष्य कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए मित्रों, शुक्र देव के गोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही हु हे हो डा डी डू डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। आपको बता दे दोस्तों, भगवान शुक्रदेव का गोचर कर्क राशि वाले लोगों के जीवन में आनंद को बढ़ावा देगा। आपका व्यक्तित्व यानी कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो और भी ज्यादा आकर्षण बनेगी और आपके लिए धन लाभ के नए नए योग बनेंगे और आपको ये प्रॉफिट भी देगा। जुलाई के महीने से ही आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और इनकम के नए नए स्रोत बनने से आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी। आपको रोजगार के संबंध में कहीं ना कहीं सुखद समाचार भी मिलेगा। अगर आप फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए हैं यानी कि अपने परिवार के साथ कोई भी व्यापार करते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छे और शुभ परिणाम देने वाला होगा। नौकरी करने वाले लोगों को इस वक्त अपने काम पर फोकस करना चाहिए। बाकी मित्रों, आपको कोई भी अच्छी और मनचाही नौकरी भी हासिल हो सकती है। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो पा पी पू शैन ठ पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। मित्रों, 7 जुलाई के बाद जब भगवान शुक्रदेव गोचर करेंगे ना, तो ये कन्या राशि वाले लोगों के लिए सुख और समृद्धि दोनों को ही बढ़ावा देने वाला होगा। खास तौर पर जो लोग विदेश से संबंधित कोई भी व्यापार करते हैं यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी काम करते हैं ना, उन लोगों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा और शुभ रहेगा। आपकी विदेश जाने की इच्छा भी पूरी हो सकती है। इस वक्त कन्या राशि वाले लोगों को बड़े शौक पूरे करने के लिए धन का खर्च होगा, लेकिन मन में आपके खुशी का एहसास भी होगा। और साथ ही जुलाई के महीने से ही आपकी कमाई यानी कि इनकम जो है ना, वो अचानक से बढ़ जा सकती है और जीवन काफी ज्यादा संतुलित होगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आपका भाग्य जो है ना, वो दोस्तों पूरी तरीके
तरीके से आपका साथ देगा। अगर आप कुंवारे हैं, सिंगल है, तो इस साल भगवान शुक्र देवता के गोचर से आपका विवाह का योग भी निश्चित होगा और कहीं पर भी मित्रों आपका विवाह का भाव बन सकता है। चलिए अगले और अंतिम जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो बनती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। दोस्तों तुला राशि वाले लोगों के लिए भगवान शुक्र देव का गोचर इनकम भाव में होने जा रहा है। ऐसे में 7 जुलाई के बाद आपको करियर और कारोबार दोनों में ही फायदा होगा। इस समय आप कोई भी बड़ा समझौता कर सकते हैं और इससे आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आर्थिक लाभ होने की संभावना भी बन रही है। धन प्राप्ति के नए नए माध्यम खुलेंगे, इनकम के नए स्रोत बनेंगे। शेयर मार्केट आदि काम के बारे में अगर सोच रहे हैं ना, तो यह समय आपके लिए अनुकूल होगा। बाकी तुला राशि वाले आर्थिक स्थिति से काफी ज्यादा संपन्न होंगे। आपके जरूरी काम जो कोई भी लंबे समय से अटके हुए थे ना, वो पूरे होंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और नौकरी में भी दोस्तों आप काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। आपकी बातों से वरिष्ठ व्यक्ति आपसे खुश होंगे और यही आपका नौकरी में प्रमोशन के अंतर्गत सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु साबित होगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शुक्राय, नमः मित्रों।